जय हिंद दोस्तों, डेली न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, चुनाव बहुत ही नज़दीक है। गांव गली में चर्चा चल रही है कि वोट किसको देना है। पार्टियां भी अपनी अपनी ललायत भाषणबाजी कर रही हैं कि हम आपको ये देंगे, हम जीतेंगे तो हम आपको ये देंगे। सत्ता पक्ष कुछ कह रहा है, विपक्ष कुछ कह रहा है। इसी कड़ी में मैं आज पहुँचा हूँ अरहरिया मऊ जालौन गरौटा लोकसभा क्षेत्र। यहाँ जब हमने लोगों से वीडियो बनाने से पहले बात की तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं आया है, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी नहीं आया है। क्यों नहीं आया? चुनाव नज़दीक है। इनका कहना है कि हमारे पास अभी कोई वोट मांगने नहीं आया। हम क्या मुद्दा बताएं आपको, किन मुद्दों पर हम वोट देंगे? तो इसी कड़ी में हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग लोग बैठे हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीरेन सिंह। बीरेन सिंह जी, आपने बहुत बार वोट डाला होगा, आपकी उम्र भी काफ़ी है। पहले के चुनाव में और आज के चुनाव में माहौल में क्या अंतर है? अंतर जो है कि पहले को सुनवाई होती थी जी जनता के जी, अब जितना हाल जनता को सुनवाई नहीं होती है। हाँ। तो वोट टाइम टाइम तो वहाँ हम ही भर लेते हैं जी, उसके बाद कोई बात नहीं करता था जी। अगर जाओ किसी विधायक संसद के यहाँ जी, तो जो है साहब है नहीं है जी, साहब सो रहे हैं जी, अरे बस भाग आओ। तो आप कह रहे हैं कि साहब सो रहे हैं और योगी जी मोदी जी बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, हर काम आदमी की समस्या हल हो रही है और हर चीज मिल रही है, फ्री राशन मिल रहा है, फ्री सिलेंडर मिल रहा है, अधिकारियों के ऊपर हमने कड़ा प्रशासन लगा हुआ है, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है और आप बोल रहे हैं काम नहीं। क्या जी, हमने वोट 1918 में भरा फरवरी में जी, किसान सम्मान निधि का है, हमारा आज तक भी नहीं आया जी है। और लेखपाल ने जो है लिख दिया उसमें तो कैंसिल कर दिया जाता है। अच्छा। हाँ, जबकि हम नौकरी करते थे, नौकरी करते थे दिहाड़ी नौकरी, पेंशन नहीं मिलती है, तो वो किसी से उन्होंने पूछ दिया हाँ, तो उन्होंने बता दिया उनको पेंशन मिलती है। और जबकि हमसे पूछा नहीं उसने, अब रिपोर्ट लगा दिया और आज तक नहीं मिला। अगर मान लो भी वोटिंग होने जा रही है, नज़दीक समय है चुनाव का, तो आपके क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे अभी तक तो नहीं, विकास से ये का जो है क्षेत्र का एरिया का विकास हो चाहिए। तो विकास तो हो ही रहा है डबल इंजन की सरकार में, और कितना डबल विकास है? विकास को ठीक रहा है, विकास हो रहा को बाकी माहौल है। हाँ, आज हैंड कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप बताइए क्या कहेंगे आप इस पर चुनाव के माहौल में? हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, भाई वो तो मतलब बोरा को बाकी विकास कर रहा है वो कहाँ भी रहो। अच्छा, अभी तक आपके यहाँ प्रत्याशी नहीं आया? कोई नहीं आया, अभी आपको पहचान भी नहीं है कि कौन से प्रत्याशी किसका है? ना भाई, कोई पार्टी नहीं आई, कोई पार्टी नहीं आई, कोई पार्टी नहीं आई। तो अभी आपके मुद्दे भी कुछ नहीं है? क्या मुद्दे बताए, जब कोई है नहीं, हम जब तक आज आप क्या कहेंगे चुनाव के माहौल में? हमें समझ नहीं आता, जब कोई आया ही नहीं तो हम क्या कहेंगे उसमें जी, जब कोई आया ही नहीं। तो इससे पहले सरकार ने आपके लिए क्या किया? अरे करने को तो सब कुछ करती है, जवान से करती है, लेकिन उससे जवान से करती है, लागू क्या करती है? आप क्या कहेंगे? अरे हमें कहा है कब तक धरना तो दे ही रही है गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन जो मेन सुविधा है, कौन सी मेन सुविधा? मतलब यहाँ के लोग इतना परेशान है जी, और उस समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं है। हाँ। मरे जाने रात देना खिचवा डांटे डांटे। हाँ। आपका सारा गोवंश की तरफ है, गायों से परेशानी। बस बस वही मेन मुद्दा किसानों के लिए है, मेन जीविका है। वो साल भर मतलब खेती करते हैं, लेकिन फसल वो नहीं काट पाते हैं, सबसे बड़ी समस्या वो है। 35 किलो मिले हुई का वो बोल रहे हैं कि हमने गौशालाएं खुलवाई हुई है, वहाँ पे गायों को हमने सब इंतजाम किया हुआ है। यहाँ इंतजाम कुछ इंतजाम नहीं, गौशालों में लेके जाओ, वो बल्ले नहीं बंद करेंगे। गौशाला वाला पैसा मांगता है? पैसा भी मांगता है। जब आप यहाँ से गाय लेके जाते हो उसको वहाँ पे रखने के लिए, तो आपसे पैसा मांगता है? एक गाय पे कितना मांगता है? 400 रुपए। 400 रुपए फिर आप लोग दे के पैसे और गाय को वहाँ छोड़ कर आते हैं? पूरी है क्या अपने पास? जब तक नहीं लगी, जब तक नहीं,
नजदीकी गौशाला कौन सा है? निगोही। यानी निगोही गौशाला वाला जो मालिक है टेंडर वाला, वो आपसे पैसे लेता है? अच्छा, आप क्या कहेंगे? आपका जैसे क्या नाम है? हमें कोनो चुनाव से मतलब है नहीं। आप बताइए। अपार करे जो पेट भरने साल वाली, तो साल वाली समस्या है। तो गौशाला तो जगह जगह खुले हुए हैं, सभी दूरे हैं। विजय सिंहपुर में है, बगल वाले। तो आपका मुद्दा क्या लेकर जाएंगे वोटिंग के दौरान? मुद्दा तो यही है, साड़ों का है मेन मुद्दा। साड़ों का? हाँ। तो मतलब साड़ों के बरखिलाफ वोट देंगे? अब देखो क्या होता है। आपका नाम क्या है? क्या नाम? क्या कहेंगे आपको माहौल के बारे? कुछ नहीं कहना, बस एक ही बात है कि मिल सके तो गौशाला खुलवा दे। गौशाला तो ऑलरेडी हर जगह खुले हुए हैं। अरे कहाँ खुली है? एक गौशाला कितने किलोमीटर में होगी, कितनी एरिया पर, और साढ़ गाय कितना है? जब उसमें जगह नहीं तो मजबूर है वो। पूरा एरिया भी खोल दिया गया, कितना जानवर उसमें आ पाए? आवारा पशु कितना घूम रहा है? आप लोग कहते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं आवारा पशु नहीं है या उसको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? रोज कट रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो इससे बढ़िया तो एक बार काट दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा तो कहना है या तो उनको अच्छी तरह से रखा जाए, और नहीं तो उसको अनुमति दे दी जाए कि जैसे पहले चल रहा था कट रहे थे कटने। और इसके अलावा काटे जाते हैं, खाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी डबल इंजन की सरकार ठीक काम कर रही है? हमारे लिए ठीक सही है। आपका क्या मुद्दा? अरे कुछ तो कहो। कुछ नहीं बोलो तो आतंकवादी उग्रवादी सत्ते के सत्ता के विरोध में बोलो तो आप। नहीं, तो सत्ता के विरोध में नहीं, आप अपना मुद्दा रखिए। सत्ता के विरोध कोई मुद्दा नहीं है। क्या नाम है आपका? तो सचान जी, आपका मतलब इतना क्यों है कि आप अगर बोलेंगे तो आप आतंकवादी हो जाएंगे? सही बात बोलने में तो ये है ही है, आतंकवादी बनते हैं। सरकार है अच्छा, क्योंकि जो सांसद जी है दो बार रह चुके, आज तक आए यहाँ पे अररिया में? नहीं आए। दो बार रह चुके, तिवारा के हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। नहीं मतलब ये सब दबाव मैंने लोगों से बात किया यहाँ पर, काफी बुजुर्ग लोग भी हैं, बहुत सारी बातें किया। इनका यहाँ का मेन मुद्दा है गोवंश का। गोवंश काफी परेशानी दिए हुए हैं, खेती को बर्बाद करती है, उससे एक्सीडेंट भी होते हैं, काफी लोगों की जाने भी जा रही है और गायों की भी जाने जा रही है। अपने आप किसी तार से कट रहा है पैर तो कोई कुछ हो रहा है। बाकी इनका खास मुद्दा एक ये है कि यहाँ पर लोकसभा का जो प्रत्याशी जीत कर गया है, दो बार जीत कर गया है, तीसरी बार भी शायद वो उम्मीदवार है, लेकिन अभी तक यहाँ के जो लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, ना ही इन्होंने उनका चेहरा देखा है और ना ही ये उनका नाम जानते हैं, और ना ही तीसरी बार वो प्रत्याशी होने के बावजूद भी सत्ता पक्ष से हैं, यहाँ पर अभी नहीं आए हैं। बाकी तो दूसरी पार्टी का भी कोई प्रत्याशी नहीं आया है। तो इन लोगों का कहना है कि हमारे पास अभी कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा सिर्फ एक है गोवंश का। अगर गोवंश, मेरी सरकार से अपील है कि गोवंश को गौशाला में बंद किया जाए और वहां पर उनकी देखभाल किया जाए। डेली न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन मलिक के साथ अरहरिया मऊ से मैं रशीद अली साहब फौजी, जय हिंद।